झारखंड समाचार। झारखंड सरकार स्कूल फीस पर बड़ा ऐलान करेगी, कई बदलाव होंगे, जाने क्या है तैयारी। राज्य सरकार निजी स्कूलों में फीस जमा करने से संबंधित जून में जारी अपने दिशा निर्देश में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात शनिवार को ICSE बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से कही है। प्रधानाध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था। प्रधानाध्यापकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान छात्रों से फीस नहीं मिलने के कारण विद्यालय संचालन में होने वाली समस्याओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो, लेकिन छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से लगातार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। स्कूलों का प्रयास है कि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम से अवगत कराया जा सके। दूसरी ओर विद्यार्थियों की स्कूल नहीं आने के बावजूद प्रबंधन के दैनिक खर्च में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। हथियार नहीं डाल रही सीता सोरेन, कहा कोई नहीं छीन सकता हमारा हक और मान सम्मान। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में उठा विवाद शनिवार को भी जारी रहा। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू जामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सीता सोरेन ने शनिवार को ट्वीट कर अपनी बेटियों की हिम्मत और सोच की सराहना की। उन्होंने कहा कि बेटियों के जोश और जुनून को देखकर मेरी हिम्मत और ताकत दोगुनी हो गई है। हमसे हमारा हक और मान सम्मान कोई नहीं छीन सकता। ट्वीट में सीता सोरेन ने लिखा कि मेरी बेटियों को भी राजनीतिक रूप से अच्छाई और बुराई की समझ हो चुकी है। हक की लड़ाई का जज्बा इनके आंदोलनकारी खून में है। इनमें भी हमारे अपने दादा शिबू सोरेन और पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की तरह वही जोश वही जुनून है। इनके जोश और जुनून को देखकर मेरी हिम्मत और ताकत दोगुनी हो गई है। हमसे हमारा हक और सम्मान कोई नहीं छीन सकता। लैंड म्यूटेशन बिल पर बड़ा बवाल, बाबूलाल मरांडी ने कहा भू माफिया लुटेरों के लिए सरकार संरक्षण में लाया गया है झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल। झारखंड के पूर्व सीएम ने कहा इस प्रकार की गड़बड़ी को लेकर हमने पूर्व में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार ने कार्रवाई की बात तो दूर, यह बिल लाकर यह साबित कर दिया कि झारखंड सरकार की मंशा क्या है। पूर्व सीएम ने कहा झारखंड सरकार अविलंब इस एक्ट को रद्द करे, नहीं तो सड़क से सदन तक भाजपा करेगी विरोध। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 8 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को पारित कर दिया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर कहा है कि झारखंड सरकार ने चुपके चुपके से इस विधेयक को कैबिनेट से पारित कराया है। सूचना है कि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा से इसे पारित कराने की कोशिश होगी। प्रदेश के भू माफिया लुटेरों के लिए सरकारी संरक्षण में इस एक्ट को लाया गया है, यह एक काला कानून है। बाबूलाल मरांडी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। रामेश्वर उरांव ने कहा 1932 के खतियान को स्थानीय नीति का आधार नहीं माना जाएगा। झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केवल 1932 को ही स्थानीय नीति का आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि आरएस सर्वे को भी आधार मानकर तय की जाएगा, जो 1932 के बाद आरएस सर्वे हुआ था। हालांकि आरएस सर्वे का साल क्या था वह यह बताने से इनकार कर गए, यानी JMM के 1932 के खतियान को केवल स्थानीय नीति का आधार को मानने से कांग्रेस इनकार कर रही है और 1932 के बाद के आरएस सर्वे का हवाला दे रही है। इधर खबर आ रही है कि झारखंड सरकार 2 लाख तक का कृषि कर्ज माफ करेगी। 2 दिवसीय दौरे पर बेरमो आए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ऐलान किया है कि राज्य के किसानों का 2 लाख तक का कृषि कर्ज माफ कर दिया जाएगा। किसी को 25,000 है तो किसी का 60,000 रुपया है, ऐसे में हिसाब बैठाया जा रहा है। किसानों के आंकड़े तैयार होते ही कर्ज माफी की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए हमारे पास पैसे का जुगाड़ हो गया है। झारखंड पुलिस ने पत्रकार को पीटा, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के पुलिस कर्मियों ने रांची के मोराबादी क्षेत्र में शनिवार शाम को एक पत्रकार से के साथ मारपीट की। घटना उस समय हुई जब पत्रकार आनंद दत्ता अपनी पत्नी के साथ सब्जी खरीदने गए थे। दत्ता ने इस मामले में SI मोहन महतो के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस मामले में ट्वीट कर पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
20 सालों में झारखंड के एक भी कांग्रेस नेता सीडब्ल्यूसी में नहीं बना सके है जगह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते शुक्रवार को पार्टी की शीर्ष निकाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पुनर्गठन की घोषणा की। पुनर्गठन की सबसे खास बात है कि पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर पार्टी के अनुभवी नेताओं पर ही ज्यादा भरोसा जताया है। कुछ युवा को ही इसमें जगह मिली है। दूसरी तरफ एक बार फिर सीडब्ल्यूसी में झारखंड के किसी कांग्रेसी नेता को जगह नहीं दी गई है। एनजीटी के 130 करोड़ जुर्माने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार। झारखंड विधानसभा के नए भवन और हाईकोर्ट के निर्माणाधीन नए भवन के इमारत को पर्यावरणीय अनुमति के बिना बनाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सरकार पर 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने के बाद से झारखंड में जहां राजनीति गर्मा गई है, वहीं दूसरी ओर सरकार इस आदेश से सकते में है। झामुमो कांग्रेस समेत कई दल इन भवनों के निर्माण में विभिन्न गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए भाजपा और पूर्ववर्ती रघुवर सरकार पर सवाल उठा रही है। कार्यक्रम में इंटर के 3 टॉपरों को किया गया सम्मानित। रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर छोटी रनबिहार के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में रविवार को प्रशासन आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें इंटर के टॉप 3 छात्रों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। पूर्व सरकार की अनुशंसित योजनाओं को निरस्त करने की आलोचना। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री सह खुंटी सांसद अर्जुन मुंडा के सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने पूर्व सरकार द्वारा अनुशंसित योजनाओं को रद्द किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा पूर्व की सरकार द्वारा अनुशंसित योजनाओं को रोके जाने से सिद्ध हो गया है कि हेमंत सरकार खूंटी जिले को कितना विकास चाहती है। खबर है उत्तर प्रदेश से, अब सीधे नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पहले 5 साल तक संविदा पर करना होगा काम। देश में सरकारी नौकरियों की प्रवेश परीक्षा कराने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार बड़े बदलाव की तैयारी पर विचार कर रही है। इसके तहत समूह ख व ग की भर्तियों में चयन के बाद 5 वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवाओं को मिलने वाले अनुमान्य सेवा संबंधित लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्षीय कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। आखिर क्यों लिया जा रहा है ऐसा फैसला, तो आइए जानते हैं। सभी विभागों से सुझाव लेने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी, साथ ही नैतिकता, देशभक्ति और कर्तव्य प्राणियता के मूल्यों का विकास होगा। इतना ही नहीं, सरकार पर वेतन का खर्चा भी कम होगा। खबर है बिहार से। बिहार के व्यक्ति ने 30 सालों में सिंचाई के लिए खोद डाली 3 किलोमीटर लंबी नहर। गया के लोंगी भुइया नामक व्यक्ति ने खुदाई कर 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई है ताकि बारिश का पानी पहाड़ी से गांव के खेतों में पहुंच सके। भुइया ने कहा, एक तालाब तक पानी ले जाने वाली नहर को खोदने में मुझे 30 साल लग गए। स्थानीय शिक्षक राम विलास सिंह ने कहा, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राष्ट्रपति, पीएम और गृह मंत्री ने जताया है शोक। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया है। शाह ने लिखा, उनका जीवन लोहिया जी के विचारों के प्रति समर्पित रहा। गरीब व वंचित वर्ग के लिए उनका समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्रपति ने लिखा, वह ग्रामीण भारत के अभूतपूर्व समझ वाले सच्चे निष्ठावान थे। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले नहीं होगा सर्वदलीय बैठक। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संसदीय कार्य मंत्री 14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक नहीं करेंगे। गौरतलब है कि संसदीय सत्र शुरू होने से पहले एजेंडा पर चर्चा और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाता है। साथ ही मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल भी नहीं होगा। पृथ्वी की कक्ष में पहुंचने में नाकाम रहा चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार
चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग जिलिनवन गोफेन 2C शनिवार को पूर्व निर्धारित कक्षा में पहुंचने में नाकाम रहा। इस सैटेलाइट को जिकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कुआजू 1A कैरियर रॉकेट के जरिए भेजा गया था। सरकारी मीडिया के मुताबिक लॉन्च सेंटर से कहा कि असामान्य प्रदर्शन के कारण मिशन असफल रहा। शिवसेना और कांगड़ा के बीच लड़ाई में डूब रही है कांग्रेस पार्टी की लुटिया। सारा महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस के सामने अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से शिवसेना के विवाद के बीच पूर्व नौसेना अधिकारी की पिटाई से प्रदेश कांग्रेस के नेता असहज हैं, लेकिन गठबंधन मजबूरी में उन्हें मुंह बंद है। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस नेताओं में उकुलाहट है। उन्होंने यह चिंता होने शुरू हो गई है कि कहीं यह मामला महाराष्ट्र में कांग्रेस की लुटिया न डुबा दे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस की तुलना में NCP में ज्यादा महत्व मिल रहा है। उद्धव ठाकरे और NCP प्रमुख शरद पवार कई बार बंद कमरे में कोई निर्णय लेते हैं, जिसकी कांग्रेस मंत्रियों तक को खबर नहीं होती। कांग्रेस के मंत्री इस पर अपना विरोध भी व्यक्त कर चुके हैं। इन सब के बीच हाल के दिनों में उद्धव सरकार की कार्य पद्धति में भी काफी बदलाव आया है। कंगना रनौत का ऑफिस तोड़े जाने और पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा की पिटाई के मामले में कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री ठाकरे मंत्रियों से जल्दी बात नहीं करते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के अनुभवी मंत्री काफी सहयोग दे सकते हैं, इसलिए कांग्रेस सत्ता में रहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। अगर राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष होते तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की हैसियत कुछ और होती। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकार द्वारा पढ़ाई के लिए 36,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत ऐसे छात्र जो 12वीं कक्षा में कम से कम 60% या उससे अधिक अंक लाए हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा आगे पढ़ने के लिए हर महीने छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। PM छात्रवृत्ति योजना के तहत लड़के उम्मीदवार को हर वर्ष 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं लड़कियों को 36,000 रुपए हर वर्ष शिक्षा के लिए दिए जाएंगे और इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। PM मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किए 3 पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, बिहार में उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट के एक खंड और 2 बाटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट के एक खंड और 2 बाटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्ट में पारदीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का दुर्गापुर बांका खंड और बांका व चंपारण जिले में 2 LPG बाटलिंग संयंत्र शामिल है। मनरेगा योजना में धीमी रफ्तार पर पंचायत सचिव को फटकार। रविवार को महगवा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार चौधरी के नेतृत्व में प्रखंड परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें पंचायत सचिव, कनीय अभियंता, रोजगार सेवक बैठक में शामिल थे। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मनरेगा योजना, 14वीं वित्त आयोग, प्रधान आवास योजना, बागवानी, रेन वाटर, शौचालय सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान योजनाओं की धीमी रफ्तार को लेकर पंचायत सचिव को फटकार लगाई गई। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि 14वीं वित्त आयोग की राशि से योजना का चयन कम शुरू किया गया। बैठक में निर्देश दिया गया कि प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 100 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। खबर है झारखंड से। 13,50,00,000 से निर्मित पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन। 21 गांव के 2,693 घरों को निर्बाध रूप से पीने के पानी की आपूर्ति होगी। 13,50,00,000 से निर्मित पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन। 21 गांव के 2,693 घरों को निर्बाध रूप से पीने के पानी का आपूर्ति होगा। झारखंड मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि करोड़ों GST की राशि से केंद्र सरकार ने मिल रही है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नारियल फोड़कर योजना की शुरुआत की। बिजली अभियंता की सांसद से अपील, कहा जल्दबाजी में पारित ना करें विद्युत विधेयक। खबर है लखनऊ से। अभियंता को एक अखिल
भारतीय संगठन ने सांसदों से विद्युत विधेयक को सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान जल्दबाजी में पारित न करने का अपील की है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर विद्युत विधेयक 2020 को जल्दबाजी में संसद में न पारित करने की अपील की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।